पहले सोचो, योजना बनाओ, फिर खूबियों और कमी को समझने के बाद काम शुरू करो, ऐसा कहना था सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी का। उनके जीवन की फिलॉसफी यही रही है। इन्होंने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की और इतिहास में अमर हो गए, क्योंकि इंजीनियर्स का ही किसी देश को बनाने में बहुत बड़ा योगदान होता है। बैकबोन होते हैं इंजीनियर्स किसी देश की। पहले हम पढ़ते हैं सर विश्वेश्वरैया जी के जन्म के बारे में। इनके जन्म दिवस को इंजीनियर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। जन्म हुआ था 15 सितंबर 1861 को मैसूर, कर्नाटक के कोलार जिले में। एक साधारण परिवार में जन्मे एम विश्वेश्वरैया जी अपने जीवन के संघर्षों से लड़कर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इतिहास रचा। इनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। इन्होंने अपने काम के लिए भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी हासिल किया है। विश्वेश्वरैया जी के पिताजी श्रीनिवास शास्त्री जी चिकित्सक होने के साथ साथ संस्कृत के विद्वान भी थे। भारत सरकार ने 1968 में उनके जन्म दिवस को इंजीनियर्स डे के तौर पर मनाने की घोषणा की थी। आज हम आपको बताएंगे इंजीनियरिंग को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले एम विश्वेश्वरैया जी के बारे में। विश्वेश्वरैया जी जब 12 साल के थे उनके पिताजी का देहांत हो गया था। शुरुआती पढ़ाई चिकबल्लापुर में ही हुई थी और उसके बाद आगे की पढ़ाई करने बेंगलोर चले गए, जहां से उन्होंने 1881 में बीए की डिग्री हासिल की। इसके बाद पुणे गए जहाँ इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी होते ही एम विश्वेश्वरैया जी को एक प्रोजेक्ट दिया गया प्रॉपर वाटर सप्लाई करने के लिए। इनके लिए ये बहुत बड़ी चुनौती थी। इसके लिए उन्होंने डैम बनवाया और स्टील के दरवाजे लगाकर स्वचालित ब्लॉक सिस्टम लगवाया और पानी के बहाव को रोकने की तरकीब दी, जिससे होने वाले पानी की वेस्टेज को भी रोक सकते हैं। डैम में उपलब्ध पानी को ब्लॉकों में विभाजित किया, जिससे किसानों के बीच जल समान रूप से पहुँचाया गया। आज भी यह प्रणाली पूरे विश्व में प्रयोग में लाई जाती है। डैम की वजह से बाढ़ से बचा जा सकता है, क्योंकि बाढ़ आने से पहले डैम के पानी को नदियों में भेजा जाता है। लगभग 30% डैम को खाली किया जाता है, जिससे बारिश के समय कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ से हुई इनके करियर की शुरुआत। इनको सेलिब्रिटी स्टेटस मिल गया था। यहाँ से इनको एडेन भेजा गया। एडेन अमन में है। यहाँ पर उन्होंने ड्रेनेज किया। ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है? अगर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है, बारिश के पानी को निकलने की जगह मिल रही है, तब तक तो सब अच्छा है। लेकिन हमारी जो हरकतें होती है ना, कि कचरा इधर उधर फेंक दिया, नालियां भर दी जाती हैं, पानी को बहने की जगह नहीं मिल रही, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ड्रेनेज सिस्टम बेकार होने से बाढ़ की स्थिति बन जाती है और कई जगह इतना कूड़ा इकट्ठा होता है कि नदियां नाले के रूप में बहने लगती हैं। और ये प्रॉब्लम अब भी आ सकती है। हमें अपने लेवल पर सही करने की कोशिश करनी चाहिए। हैदराबाद में एम विश्वेश्वरैया जी ने दो बांध बनवाए, एक मूसी नदी पर और एक इसी नदी पर, और हैदराबाद को भी आगे आने वाले खतरे से बचाया। पानी को खोलने और स्टोर करने के लिए डैम में कंट्रोलिंग बहुत जरूरी होती है। विश्वेश्वरैया जी ने उसकी भी सुविधा करवाई। कावेरी नदी पर कृष्णा सागर बांध बनवाया। इनको आधुनिक मैसूर राज्य का जनक कहा जाता है, क्योंकि मैसूर के डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनका कहना था कि इंडस्ट्रीज को जितना डेवलप किया जाएगा उतने ही रोजगार बढ़ेंगे। विश्वेश्वरैया जी ने देश के लिए अपनी आकांक्षाओं को सफल करने के लिए कड़ा परिश्रम किया। सेमिनारों और सम्मेलनों में भाग लिया। अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए यात्राएं की और जो कुछ भी इन्होंने सीखा उनको अपनी आगे की परियोजनाओं में शामिल किया। एम विश्वेश्वरैया जी अपने समय से आगे माने जाते हैं। 1925 में विश्वेश्वरैया जी ने चारकोल से लोहा कैसे बनता है इसके लिए स्वीडन, इंग्लैंड, अमेरिका और जर्मनी का दौरा किया और इन्होंने इस ज्ञान का उपयोग मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स की आधुनिकीकरण के लिए किया। भगवती आयरन मिल जो बंद थी और आयरन का रेट बहुत नीचे जा रहा था, लेकिन विश्वेश्वरैया जी ने उस मिल को इस तरह डेवलप किया कि बाद में अमेरिका को भी आयरन सप्लाई होने लग गया था। एम विश्वेश्वरैया जी इंजीनियर के साथ साथ बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट भी थे। इनको इकोनॉमी भी बहुत अच्छे से चलानी आती थी। बैंक ऑफ मैसूर के डेवलपमेंट में भी इनका बहुत बड़ा हाथ था। इन्होंने इतने बढ़िया तरीके से कृष्णा सागर बांध की स्थापना की थी कि आसपास के क्षेत्र अपने आप डेवलप हो गए थे। एक समय जो आसपास के क्षेत्र बिल्कुल बंजर थे, कुछ भी नहीं था, वहां पर इतना डेवलपमेंट हो गया था कि पूछो मत। मैसूर के डेवलपमेंट में पूरा योगदान एम विश्वेश्वरैया जी को ही जाता है। विश्वेश्वरैया जी कम बोलने वाले व्यक्ति थे और कम बातें ज्यादा काम के सिद्धांत पर विश्वास करते थे। एक बार की बात है, बेंगलुरु में शताब्दी समारोह के दौरान जब नेहरू जी और कई महत्वपूर्ण हस्तियों ने उनकी प्रशंसा की तो विश्वेश्वरैया जी के पास कहने के लिए सिर्फ दो ही शब्द थे, धन्यवाद। 1909 में इनको मैसूर राज्य का चीफ इंजीनियर का पद दिया गया था।
इन्होंने विशाखापट्टनम बंदरगाह को समुद्री कटाव से बचाने के लिए एक प्रणाली विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मैसूर में KRS बांध के निर्माण के समय वे चीफ इंजीनियर थे। अब बात करें कि कृष्णा सागर बांध से और क्या फायदे हुए थे। सिंचाई में सुधार हुआ था और पन बिजली उत्पादन को भी बढ़ावा मिला था। विश्वेश्वरैया जी ने कर्नाटक राज्य में कई उद्योग और शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए जापान, अमेरिका, कनाडा और कई यूरोपीय देशों से प्रेरणा ली। 1912 से 1918 तक मैसूर राज्य का दीवान भी नियुक्त किया गया था। इन 6 सालों के भीतर कर्नाटक में 6,500 से अधिक स्कूल स्थापित किए थे। विश्वेश्वरैया जी ने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करने के लिए कानून बनाया। बात करें विश्वेश्वरैया जी के द्वारा स्थापित किए गए उद्योग और शैक्षणिक संस्थान की, मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स, मैसूर सनहल तेल कारखाना और मैसूर साबुन कारखाना बनवाया, मैसूर विश्वविद्यालय बनवाया, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना की, कन्नड़ साहित्य अकादमी की स्थापना की, हेम्बल कृषि विश्वविद्यालय अर्थात कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय की भी स्थापना की, विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियर्स की स्थापना की जो बेंगलुरु में है। भारत की पहली विमान निर्माण कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की स्थापना भी की थी। 1928 में रूस ने पहली बार पंचवर्षीय योजना तैयार की, लेकिन विश्वेश्वरैया जी ने 8 वर्ष पहले ही 1920 में अपनी किताब रिंग स्ट्रक्टिंग इंडिया में ही इस बारे में चर्चा की थी। अंग्रेज सरकार ने भी उन्हें सर की उपाधि से नवाजा था, इसलिए उन्हें सर एम विश्वेश्वरैया भी कहा जाता है। इनका काम इतना अच्छा था कि इनके काम को देखते हुए भारत सरकार ने 1955 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था इनके अतुलनीय योगदान के लिए। एम विश्वेश्वरैया जी को भारत समेत दुनिया भर से सम्मान और डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी। उनको भारत के 8 विश्वविद्यालयों ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया था। नेहरू जी की तरह ही विश्वेश्वरैया जी भी विकास के पश्चिमी मॉडल में विश्वास करते थे। औद्योगिकरण के माध्यम से आर्थिक विकास विश्वेश्वरैया जी का मुख्य उद्देश्य था। उनका मानना था कि कृषि के अलावा उद्योग भी लोगों के समृद्धि में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। सन 1960 में सर MV के 100वें जन्मदिन पर नेहरू जी ने उनके बारे में कहा था कि एक स्वप्न दृष्टा, विचारक और कर्मशील व्यक्ति जो अतीत में खोए नहीं रहते हैं बल्कि हमेशा भविष्य के बारे में सोचते हैं, एक एकीकृत जीवन जीते हैं, अपने लिए नहीं बल्कि भारत और भारत के लोगों के लिए सपनों को अस्तित्व में लाते और आकार देते हैं। सर एम विश्वेश्वरैया जी को उनकी बुद्धि, समय की पाबंदी, बेदाग ड्रेसिंग सेंस और बेमिसाल दूरदृष्टि के लिए याद किया जाता है। उन्होंने जो कहा उसे खुद भी किया और उनके कामों के लिए उन्हें ब्रिटिश नाइटहुड और भारत रत्न सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया था। काम करो, कड़ी मेहनत करो, कड़ी मेहनत से मौत नहीं आती है, चिंता से मौत आती है। सर MV अपनी आखिरी सांस तक अपने शब्दों पर कायम रहे। 12 अप्रैल 1962 को 102 साल की उम्र में एम विश्वेश्वरैया राय जी का निधन हो गया। एक बार इनसे इतनी लंबी उम्र का रहस्य पूछा किसी ने, तो उन्होंने जवाब दिया, जब बुढ़ापा मेरा दरवाजा खटखटाता है तो मैं भीतर से जवाब देता हूँ कि विश्वेश्वरैया घर पर नहीं है। फिर वह निराश होकर लौट जाता है, बुढ़ापे से मेरी मुलाकात हुई ही नहीं है तो वह मुझ पर कैसे हावी हो सकता है। एम विश्वेश्वरैया राय जी को दूरदृष्टि के लिए याद किया जाता है। इनके जीवन का एक सबसे दिलचस्प किस्सा है जो अंग्रेजों से जुड़ा हुआ है। एक बार की बात है, अंग्रेजों के साथ ट्रेन में सफर कर रहे थे। सांवले रंग और सामान्य कदकाठी वाले विश्वेश्वरैया जी को अनपढ़ समझकर अंग्रेजों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन विश्वेश्वरैया राय जी को कम बोलना पसंद था, इसलिए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ट्रेन तेज रफ्तार से चल रही थी, वे अचानक उठे और चैन खींच दी, ट्रेन वहीं रुक गई। यात्रियों ने उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद गार्ड के सवाल करने पर उन्होंने कहा, चैन मैंने खींची है, लेकिन मेरा अनुमान है कि करीब 220 गज की दूरी पर रेल की पटरी उखड़ी हुई है। गार्ड ने पूछा, यह आपको कैसे पता चला? उन्होंने जवाब दिया, सफर के दौरान मुझे एहसास हुआ है कि ट्रेन की गति में अंतर आ गया है, पटरी की तरफ से आने वाली आवाज में बदलाव हुआ है। लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया और उसे देखने के लिए गार्ड जब कुछ दूर आगे चला तो वह देखकर हक्का बक्का रह गया। वहां पर पटरी के नट बोल्ट बिखरे पड़े थे और ये सब देखकर अंग्रेज भी दंग रह गए और फिर अंग्रेजों ने उनसे माफी मांगी। इनको कर्नाटक का भागीरथ भी कहा जाता था। एम विश्वेश्वरैया राय जी 32 साल की उम्र में ही सिंधु नदी से सुकर कस्बे तक पानी पहुंचाने के लिए एक प्लान बनाया। वो प्लान सभी इंजीनियरों को पसंद भी आया। उन्होंने बांध से पानी के बहाव को रोकने वाले स्टील के दरवाजे भी बनाए थे, जिसकी तारीफ ब्रिटिश अधिकारियों ने भी की थी। लगन से काम करो, मेहनत से जी न चुराओ,
आराम कड़ी मेहनत के बाद ही अच्छा लगता है। और आपको एम विश्वेश्वरय्य राय जी के जीवन की संघर्ष भरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।